हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेई अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में जेई मेंस 2020 के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं, जेई मेंस 2020 जनवरी अटेम्प्ट में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं, वो मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। सेशन बहुत छोटा है, आप आराम से देखो और पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, और नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, है ना। सपोज दैट अ वेरिएबल एक्स इज असाइन द वैल्यू के व्हेन के कंसेक्यूटिव हेड्स आर ऑब्टेंड फॉर के 3, 4, 5, अदरवाइज एक्स टेक्स वैल्यू -1, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर अपने को एक्सपेक्टेशन निकालना है। रिसेंट में 2 or 3 years से एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं, तो अपने को आना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन होता है क्या है, एक्सपेक्टेशन होता है समेशन ऑफ PI इंटू MI, प्रोबेबिलिटी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मनी। अब आप यहाँ पे देखो, उसने बोला है कि अगर वैल्यू अगर 3 कंजुकेटिव हेड्स आते हैं तो उसमें उसको 3 मिलेंगे, और 4 कंजुकेटिव हेड में 4 मिलेंगे, और 5 कंजुकेटिव हेड में 5 मिलेंगे, अदरवाइज उसको हमेशा -1 मिलता है। सही है, तो आराम से आप देखो क्या क्या केसेस बनेंगे प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं 3 कंजुकेटिव हेड्स की बात करूं, है ना, पहले मैं बात कर रहा हूं 3 कंजुकेटिव हेड्स, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये बताओ। 5 बार अपन फेंक रहे हैं, 5 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें 3 कंजुकेटिव हेड कैसे आ सकता है। देखो, हेड 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 रख दो 3 कंजुकेटिव, अब यहां पक्का टेल होगा, यहां हेड या टेल दो आ सकता है, दो केस यहां बनेंगे। सिमिलरली आप जब मान लो कि 3 कंजुकेटिव हेड यहाँ आ गए, हेड हेड हेड, तो पक्का जो है यहाँ पे टेल होगा और यहाँ पे टेल होगा, तो ये आ गए एक केस। या ऐसा हो सकता है कि लास्ट के तीनों पोजीशन पे लगातार हेड आए, यहाँ हेड आए, यहाँ हेड आए, यहाँ, तो यहाँ पक्का टेल आएगा और यहाँ क्या आ सकता है, हेड और टेल, तो ये भी दो तरीका होगा। तो अगर इस बात की 3 कंजुकेटिव हेड की प्रॉबर्टी निकालना, टोटल कितने हुए 5, चूँकि 5 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 का पावर 5 यानी 32। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 4 कंजुकेटिव हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए 4 कंजुकेटिव हेड्स, तो देखो 4 कंजुकेटिव हेड्स मतलब 5 प्लेस में से लगातार 4 प्लेस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड और यहाँ भी हेड। सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पक्का टेल आएगा। या फिर एक इसको एक आगे शिफ्ट कर दो आप, है ना, इसको ऐसे लिखा और इन चारों पे हेड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ही केस टेल, तो ये कितना आएगा, 2 केस आएगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/32। सिमिलरली अगर आप 5 कंजुकेटिव हेड की बात करो, अगर मैं आपसे पूछूं 5 कंजुकेटिव हेड्स, तो बताओ 5 कंजुकेटिव हेड्स, तो सब पे सब क्या होना चाहिए, हेड ही आना चाहिए, एक ही केस होगा, यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड और यहाँ भी, तो ये सिर्फ एक केस बनेगा। तो इसकी प्रॉबर्टी कितनी आ गई, 1/32। अब देखो उसने बोला अदरवाइज हमेशा कितना मिलेगा, अदरवाइज हमेशा -1 मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी अदरवाइज कितना होगा। देखो प्रोबेबिलिटी अगर अदरवाइज निकालें तो ये टोटल कितना हो चुका है, 5, 2, 7, 8 हो चुका है, टोटल रिमेनिंग केस कितने बचे, 24, अपन कितना, 32। अब अपन प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो देखो जब 3 कंजुकेटिव हेड होगा कितने रुपये मिलेंगे, 3 कंजुकेटिव हेड में उसको 3 रुपीज़ मिलेंगे, तो 3 × अब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/32। सिमिलरली जब 4 कंजुकेटिव हेड में कितने रुपये मिलेंगे, 4, अब प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 2/32। सिमिलरली 5 कंजुकेटिव होंगे तो उसको 5 मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/32। अदरवाइज हमेशा -1 मिलेगा, तो -1 × टोटल अदरवाइज केस कितने हैं, 24/32। अगर इसको आप सॉल्व करोगे देखो कितना आ रहा है, 15 + 8 + 5 - 24/32। अब देख सकते हो ये हो गया 15 + 23 = 28, 28 - 24 / 32, यानी ये आ गया 1/8। तब ऑप्शन देख सकते हो, ये है ऑप्शन फोर आंसर है। तो ये अपना जेई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है। तो एक्सपेक्टेशन का है, एक्सपेक्टेशन बहुत आसान होता है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन में, 2020 के अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।